सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल के मैथ्स टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। तो इस वीडियो में मैं परसेंटेज के कुछ अलग 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 टाइप के पांच क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो देखेंगे हम लोग। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा चेंज कर बस। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट अगर ये क्लियर है तो आप कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला है? इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। मतलब ये बोला है कि एक्स अगर वाई का कितना है, 80% है। एक्स अगर वाई का 80% है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, एक्स वाई का 80% है। ठीक है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ये परसेंटेज की साइन हटाना है। कभी भी याद रखना, जब भी परसेंटेज की साइन हटा रहे हो तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको 100 से, तो परसेंटेज की साइन हट जाएंगी। ठीक है, हम लोग को वाई निकालना है, जिसको निकालना होता है उसको अकेले रखते हैं, बाकी सबको इधर लेके आते हैं। तो 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 100x, और 80 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 100x/80। ये जीरो कैंसल, 2 के टेबल में 2 4 8 आता है, 2 के टेबल में 2 5 10 आता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, मैं अब उल्टा लिख देता हूं। ऊपर देखो 5x बचा है 5x, और नीचे बचा है 4। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5x/4। अब 4 के टेबल में 5 आता है क्या, वो चेक करो, मतलब ठीक है कितने में आता है, 4 1 4, 5 नहीं आता है लेकिन 4 आता है। ठीक है, मतलब एक आपका यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, एक यहाँ पर मैं रिमाइंडर कर देता हूँ, 4 1 4, एक रिमाइंडर। हाँ, अब 1 4 से छोटा है इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। जब यहाँ पॉइंट लगा रहे हो तो अब यहाँ पर 0 लगा दो, जो रिमाइंडर है ना, रिमेनिंग बचा था उस पर 0 लगा दो, तो कितना हो गया 10। 4 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता है, 4 2 8 आता है, 8 आता है, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा। ठीक है, अभी भी ये छोटा है तो अब बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 0 लगा दो। अब 4 के टेबल में 20 आता है, आता है, कितने में आता है, 5 में आता है, तो क्या आ रहा है, वाई की वैल्यू 1.25x आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ, परसेंट अगर पूछा है तो क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125x। ठीक है, तो मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर, 120, वाई एक्स का कितना परसेंटेज है, 125% है, वाई एक्स का कितना परसेंटेज है, 125% है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो 125% अगर ऑप्शन ऑप्शन में होगा तो वहां पर आप टिक कर देना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का परसेंटेज का। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, उसका 4 ऑप्शन भी दिया, पहले वाले मैं ऑप्शन देना भूल गया था, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़ लेते, अगर 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी है। अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे लिखते हैं, 80% ऑफ ए को कैसे लिखते हैं, 80 लिखो। ठीक है, उसके बाद क्या है, परसेंट है, परसेंट को मैंने बोला हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। ठीक है, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किस से मल्टीप्लाई होगा, ए से। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये ए का है ना 80%, इसलिए ए से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह यहाँ पर लिखो, उन्होंने बोला इक्वल है, किससे इक्वल है, 50% है, तो 50 / 100 मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, उसके आगे बी। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है। अब आगे क्या बोला है कि बी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए है, मतलब आपका बी निकालना है कि वो ए का कितना परसेंट है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब यही निकालना है कि b जो है वो a का कितना परसेंट आएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आपको निकाल दी है इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है, अब देखो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा 80a इज इक्वल टू 50b। मुझे b निकालना है ना, तो 50 को इधर लाऊंगा ना मैं, 80 / 50, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, वो 80 / 50 a इज इक्वल टू b। ठीक है, मैं इसको उल्टा लिख देता हूं, बी को इधर लिखता हूं और 80 / 50 इधर लिखता हूं। ठीक है, इनटू ए। अब यहां पर आप देखो 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, 5 के टेबल में 5 1 जा, 5 के टेबल में 1 जा 5, बचा कितना, 3 बचा है। ठीक है, हाँ, बट 3 जो है वो 5 से छोटा होता है ना, तो इसलिए यहाँ पॉइंट और यहाँ 0। 5 के टेबल में 30 आता है क्या, ऑब्वियसली आता है, कितने में आता है, 6 में आता है। तो क्या आंसर आ रहा है, बी इज इक्वल टू 1.6 ऑफ ए। ठीक है, लेकिन हमको परसेंटेज निकालना, उन्होंने परसेंटेज बोला यहाँ पर एक्स परसेंट लिखा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर परसेंटेज में आएगा, 1.6 को 100 से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आएगा 160%।
ऑफ ए, मतलब बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, 160% है, ऑप्शन में 160 है, ओ सॉल्व कर दो, मतलब यहाँ पर टिक कर दो, खत्म हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था ना। हाँ, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 50% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी। अभी इससे पहले सिर्फ एक सिंगल लेटर था, अब यहाँ पर डबल आ गया है, ठीक है, बस इतना सा कॉम्प्लीशन है। अभी यहाँ पर देखो 15% मैंने क्या बोला, परसेंटेज अगर आ गया तो नीचे डिवाइड कर दो 100 से, अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो, ठीक है। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका, ए प्लस बी का, तो इसलिए मैंने लिख दिया ए प्लस बी इज इक्वल टू 25% है ना, तो 25 डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, ए माइनस बी का। ये हमारा सॉल्व हो गया इतना, ठीक है। उन्होंने बोला है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, मतलब ए बी जो है वो ए का कितना परसेंट आएगा, मतलब आपको ए निकालना है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, उन्होंने बोला है परसेंट ऑफ बी, मतलब आपको ए निकालना है, ये चीज याद रखना है ऐसा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 100 और ये 100, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी अगर आप लाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम अगर रहता है तो कैंसल हो जाता है। अब आप क्या करो, 15 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा यहाँ पर 15A प्लस 15B, बीच में प्लस है ना, 25 को ए और बी से करो मल्टीप्लाई, तो 25A, यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस रखो 25B, ठीक है। अब आप क्या करो, ए को एक साइड करो, तो यहाँ पर बड़ा वाला से ए इधर है, तो छोटे वाले को भी उधर लेके जाऊंगा, ठीक है, इस तरह से मैं करता हूँ। और ये 25B को मैं इधर लाऊंगा, क्योंकि ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 25B इधर ला रहा हूं, तो प्लस हो जा रहा है 25B प्लस 15B, ठीक है। हमने ये नहीं लिखा कि इसको उधर लेके जाना है, ये 25A ऐसे रहने दो, 15A को इधर लाओ, माइनस 15A, मेरे को मैंने क्या किया, ये 15A को यहाँ लाया, 25B को यहाँ लाया, बस और कुछ नहीं किया। ये दोनों को अगर मैंने प्लस कर दिया तो आ जाएगा 40B, और ये दोनों को माइनस किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 10A, ठीक है। अब ये जो 10 है इसको इधर डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि परसेंट ऑफ बी निकालना है, मतलब ए की वैल्यू बी में निकालना है, तो ए की वैल्यू निकालना है ना, तो 10 को इधर लाऊंगा, तो डिवाइड हो जाएंगे 40 से, बी 10 वन सा 10 फोर सा, तो ए की वैल्यू क्या आया, ए की वैल्यू क्या आया, 4B आया, ए की वैल्यू आया 4B। अब मुझे लेकिन उन्होंने बोला है परसेंटेज में, तो मैंने आपको हमेशा बोल रहा हूँ परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर परसेंटेज में आएगा, 4 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा, 400 हो जाएगा, और उसको हम परसेंट में निकलेंगे, तो ए की वैल्यू बी में कितने परसेंट आ रही है, 4%, मतलब ए बी से 4% ज्यादा है, ठीक है। तो 4% आपका ऑप्शन में जा रहेगा, 400% है वो, तो जहां पे 400% रहेगा उसको आप टिक कर दो। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। सो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है पता है क्या, कि एक्स जो है वो वाई से 25% कम है, तो वाई एक्स से कितना ज्यादा होगा, कितना परसेंट ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन समझ लो, एक्स जो है वाई से 25% कम है, तो y x से कितना परसेंट ज्यादा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब यहाँ पर एक कंसिडरेशन करना है कि जो y है वो y की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि x जो है y से 25% कम है, 25, अगर 100 में से 25% कम हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 75 आ जाएंगी, इतनी आ जाएंगी 75 पर आ जाएंगी, मतलब x की वैल्यू 75 है, y की वैल्यू 100 है, क्योंकि x जो है y से 25% कम है। समझ में आया, अभी देखो 25% कम हो गया 75। अब उन्होंने क्या बोला है, y exceed x, y x से कितना ज्यादा है ये पूछा है, ठीक है, y x से कितना ज्यादा है ये पूछा है। अभी यहां पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कितना ज्यादा है यहां पर, आपको यहां पर लेना है कि x और y का सबसे पहले आपको डिफरेंस चेक करना है, x और y में डिफरेंस कितना है, y माइनस एक्स कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाय किस से ज्यादा देख रहे हैं हम लोग, x से ज्यादा देख रहे हैं ना, x से, क्या बोला है, y exceed x, y x से कितना ज्यादा है, तो नीचे हम लोग x लेंगे, x का रिफरेंस लेंगे 75, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में आंसर आना चाहिए। अब 25 वन सा 25 थ्री सा, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 3 वन सा 3 के टेबल में 100, 3 को अगर 100 से हम लोग डिवाइड करने की कोशिश किए, आप डिवाइड मत करो, ये आपका आंसर बन जा रहा है 100/3, ठीक है। अब 100/3 आपके ऑप्शन में है क्या, नहीं है, लेकिन उसके जैसा एक ऑप्शन है, कौन सा है, फर्स्ट वाला, आपका इसका ऑप्शन आंसर आएगा फर्स्ट वाला। अब आप यहाँ पर क्या दिया है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 33 1/3 दिया है, और आपने 100/3 परसेंटेज को यहाँ पे आंसर, मतलब हमारा आंसर तो 100/3 परसेंटेज आया, लेकिन आप इसको टिक कर रहे हो, ऐसा क्यों,
तो उसका रीजन ये है, आप इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करते, कभी भी ऐसा कोई वैल्यू आया, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो साइड वाली वैल्यू रहती है उसको नीचे वाली वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू से प्लस करते हैं, और जो नीचे डिनोमिनेटर में उसको एक और बार डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब 33 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 99 आएगा, प्लस 1 अपॉन 3, 99 प्लस 1 कितना हो जा रहा 100, और ये 3 अपॉन 3 आया 100/3, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, हमारा ऑप्शन आ रहा है ए, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ हमारे को यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और यहाँ पर क्या पूछा है, देखो 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 1000 इज, तो 1000 का ये दोनों परसेंट निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएंगी, ये हमारे को क्वेश्चन में पूछा है। अब 0.15% को कैसे लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते हैं, उसके बाद क्या 33 1/3। अभी मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखे 33 1/3 की वैल्यू कितनी थी 100/3, ये सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, परसेंटेज अभी तक के नहीं हटाया मैंने, याद रखो परसेंटेज हटाने के लिए वापस 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज याद रखो, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाले अभी, और जब परसेंटेज हटा रहा हूं तो नीचे डिवाइड में 100 लगा दिया, ऑफ फिर उसके बाद आ रहा है ऑफ तो मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 1000, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या करनी है निकालनी है। अब ये 0.15 है, पॉइंट के बाद कितना डेसिमल है, कितना नंबर है, दो नंबर है, तो मैं पॉइंट हटा दे रहा हूं, 15 लिख दे रहा हूं, दो नंबर, इसका मतलब देखो 100 तो पहले से मौजूद है जो हमने पहले किया, दो नंबर मैंने आगे कर दिया, इसका मतलब नीचे दो जीरो वाले वन के साथ दो जीरो लगाकर इसको डिवाइड करेंगे, जितना नंबर हमने आगे करते हैं जैसे मैंने ये पॉइंट को दो नंबर आगे किया तो नीचे वन के साथ दो जीरो लगाऊंगा, तीन नंबर आगे किया तो वन के साथ तीन जीरो लगाऊंगा, ठीक है, डिवाइड बाय ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है यहाँ पर सिर्फ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड इजिली हो सकता है, यहाँ पर देखो सॉरी 10,000 क्वेश्चन में है, 10,000 मैं गलती से 1000 लिख दिया हूं, यहाँ पर क्वेश्चन में 10,000 है, ये चीज याद रखना। अब देखो ये दो जीरो कट, ये दो जीरो कट, ये दो जीरो कट, ये दो जीरो कट, ठीक है। अब मेरा बचा क्या है यहाँ पर, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, 15 वन जा कितना हुआ 15 डिवाइड बाय 3, 3 वन जा 3 फाइव सा, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है, मेरा आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 मेरा अगर ऑप्शन में है तो टिक कर दूंगा, ठीक है। अगर 10,000 नहीं होता 1000 होता तो यहाँ पर आता आपका 0.5, और यहाँ पर 0.5 कोई भी ऑप्शन में नहीं है इसलिए मेरे को चेंज करना पड़ा, नहीं तो मैं वैसे भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है, ऑप्शन में वो चीज नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन अगली वीडियो में, ठीक है, ये वीडियो की 5 मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, अब अगली वीडियो में हम लोग और नए नए क्वेश्चंस को देखेंगे।